नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आपके लिए सूचना लेकर आया हूं, जिन बच्चों ने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी फेस स्टार टू, जो आपको पता है IAF ग्रुप XY की जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों, उसके एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। सितंबर के फर्स्ट ऑफ वीक में आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन जो यूनिक रजिस्ट्रेशन ID जो होती है 11 नंबर की, उसके ऊपर आपको लॉगिन करना, अपने अकाउंट पर पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और अपना एडमिट कार्ड जनरेट करवाना है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपका एडमिट कार्ड लॉन्च होने वाला है। जैसे कि आपको पता है 13 से 16 सितंबर आपका, ठीक है, एग्जामिनेशन डेट रखी गई है, जो कि ऑनलाइन CBT मोड रखा गया दोस्तों। और इस बार आपको मैं बताऊँ कुछ चेंजेस आ रखे हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस कर दिया गया आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपका नेगेटिव मार्किंग होगा तो ध्यान से काम करना, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, इसका आपने एडवांटेज लेना दोस्तों, एडवांटेज है इसका। जितना अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो बेटर ही आपके दोस्तों, जितने जहाँ जहाँ बच्चे छटेंगे और क्या होगा कि आपका कट ऑफ भी कम जाएगा, ठीक है। तो इसका ये थी न्यूज़ की आपका फर्स्ट ऑफ वीक सितंबर में आपको एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिया जाएगा। परसेंटेज जो है जिनके 50% से ऊपर 200 मार्क्स हैं उनको 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इस साल दो बार वैकेंसी निकली, दूसरी बार वैकेंसी ये आ रही है। जो पहली बार वैकेंसी दोस्तों, एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरे 64% थे तो मुझे भी एडमिट कार्ड दिया गया था, लेकिन मेरे 36 नंबर थे, जिस कारण मुझे दोस्तों मुझे पता था कि 36 नंबर वाले का नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं गया नहीं, ठीक है। मुझे पता था दोस्तों, लेकिन मैं ये बात आपको कह दूँ कि इस बार आप ऐसी गलती मत करना मेरी तरह, ठीक है। अगर 36 पे आते दोस्तों बहुत बेटर है आपको। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके कट ऑफ भी बराबर में नंबर आ रहे हैं तभी आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो यही है सोचना आ रही दोस्तों कि इंडियन एयरफोर्स तरफ से कि आपका एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द इस हफ्ते के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ आपको सितंबर में लॉन्च कर दिया जाएगा। कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू अगर नहीं की है तो दोस्तों अभी कर ही दो यार, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 15-16 दिन बचे हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ कि जो वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होती है, वेटिंग लिस्ट जो क्लियर होती है दोस्तों, वाई ग्रुप की होती है, ठीक है, यानी कि नॉन टेक्निकल ग्रुप की होती है, जिसके अंदर आपको एयरफोर्स पुलिस वगैरह जो अभी इस तरह की ट्रेड्स प्रोवाइड की जाती है एयरफोर्स की तरफ से, ठीक है। जो ग्रुप एक्स होता है टेक्निकल ट्रेड दोस्तों, ये होता है शीट मेटल वर्कशॉप वगैरह, आपके फिटिंग शॉप वगैरह में आपके काम लगता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर कोई मेरे भाई बंधु वाई ग्रुप से एक्स ग्रुप में जाना चाहता है आफ्टर जॉब के बाद दोस्तों, तो उसका भी एक समाधान होता है, वो भी जा सकता है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा तो आप अपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देके आप अपना ट्रेड चेंज करवा सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं है, ओके। तो यही कहूँगा कि एडमिट कार्ड बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसकी डेट दे रखी है 13-16 सितंबर आपका एग्जामिनेशन डेट रखी है। CBT मोड होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी इस बार आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगी दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।